हेलो एवरीवन दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट तो आज हम फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपकी अपकमिंग आरआरबी देन टीएनएमआरबी एंड सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ठीक है एंड इन सभी एग्जाम्स के लिए अभी फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट एंड पी बुक अवेलेबल है बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है अभी तक इस स्टडी मटेरियल से सो ये आपके लिए भी मोस्ट बेनिफिशियल होने वाले है ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है डेमो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है ठीक है तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी कितना होता है ट्वेंटी ऑप्शन ए विलेक्ट आंसर वन ड्रैकम होता है सिक्सटी ग्रेन्स वन आउंस होता है फोर एटी ग्रेन्स वन पाउंड होता है फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी ग्रेन्स ठीक है एंड ये होता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इन अपोथेकरी सिस्टम सिस्टम ट्रॉय ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल आर अरेन्ज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स हॉरिज़ॉन्टली वर्टिकली पिरामिड और ट्राइंगुलर थ्री रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल तो ये अरेन्ज हुए होते हैं हॉरिजोंटली ऑप्शन एल यूर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दर्म लिब्रामीस गैलन ग्रेन पाउंड, स्क्रपल तो क्या होता है लिब्रा तो लिब्रा होता है पाउंड ऑप्शन सी गैलन होता है कॉन्जियस ठीक है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन द लैटिन टर्म यूज फॉर एट बेड टाइम इज अल्टरनिस होरिस रिस हैक नोकटे होरा होरा सोमनी एट बेड टाइम तो एट बेड टाइम होता है होरा सोमनी ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन थिकनेस ऑफ फिल्टर केक इनक्रीजेस द रेट ऑफ फिल्टरेशन डीक्रीज इनक्रीज स्टेशनरी क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ ऑफ फिल्ट्रेशन पे अगर थिकनेस फिल्टर केक इंक्रीजेस तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फिल्टर केक एंड विस्कोसिटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन

नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉमनली यूज लैटिन एब्रीविएशन फॉर शेक इज द कॉमनली यूज लैटिन एब्रीविएशन फॉर शेक तो शेक होता है एजिट ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ये पीओ होता है ओरली और बाय माउथ एडी एड अपू और टू एफ टी फी एट होता है लेट इट बी मेड और मेक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हार्डिंग मिल इज ए वेरियंट फॉर रोटरी कटर मिल बॉल मिल हैमर मिल फ्लूड एनर्जी मिल हार्डिंग मिल तो हार्डिंग मिल होता है वेरियंट फॉर बॉल मिल ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर बॉल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल इंपैक्ट एंड एट्रिशन हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल इंपैक्ट फ्लूड एनर्जी मिल का इंपैक्ट एंड एट्रिशन नेक्स्ट क्वेश्चन द इंपेरियल सिस्टम फॉर वन टेबल स्पून फुल इज टू फ्लूड ड्रैकम वन फ्लूड आउंस फोर फ्लूड ड्रैकम वन फ्लूड ड्रैकम वन टेबल स्पून तो इंपेरियल सिस्टम में वन टेबल स्पून होता है फोर फ्लूड ड्रैकम ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर एंड मेट्रिक सिस्टम में वन टेबल स्पून फूल फिफ्टीन एम ठीक है यह टू फ्लूड ड्रैकम होता है एट एम एल वन डेजर्ट स्पून फुल वन फ्लूड आउंस थर्टी एम होता है थर्टी एम एल मीन्स टू टेबल स्पून वन फ्लूड ड्रैकम होता है वन टी स्पून फूल फोर एम ठीक है क्स्ट क्वेश्चन ए कॉमनली यूज इंटीग्रेटेड टेस्ट फॉर हाई एफिशियं पर्टिकुलेट एयर फिल्टर इज दबल पॉइंट बैक्टेरियल चैलेंज टेस्ट डायऑक्टाइल डिफ्यूजन टेस्ट ए कॉमनली यूज इंटीग्रेटेड टेस्ट फॉर हेपा फिल्टर हाई एफिशियंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर तो यह होती है डोप टेस्ट डायऑक्टाइल थैलेट टेस्ट ऑप्शन सिविल बे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन

1966 सिक्स सप्लीमेंट नाइनटीन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन होमोजिनाइजर्स आर यूज फॉर मिक्सिंग मैसेशन फिल्ट्रेशन साइज सेपरेशन होमोजिनाइजर्स किस लिए यूज करते हैं होमोजिनाइजर्स का तो इनका यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन लिक्विड पैराफिन इज ऑफ मिनरल ओरिजिन एनिमल ओरिजिन सिंथेटिक ओरिजिन सेमी सिंथेटिक ओरिजिन क्या होता है लिक्विड पैराफिन तो ये होता है मिनरल ओरिजिन ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इन साइज रिडक्शन प्रोसेस थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस कैन बी मिल्ड बाय यूजिंग डिसइंटीग्रेटर हैमर मिल बॉल मिल फ्लुइड एनर्जी मिल इन साइज रिडक्शन प्रोसेस थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस कैन बी मिल्ड बाय यूजिंग तो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं फ्लूड एनर्जी मिल का ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन स्नप्स आर नेजल स्प्रे एरोसोल्स पाउडर्स सिरप्स तो स्नब्स आर पाउडर्स ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन द लैटिन टर्म पल्विस पाउडर ऑइंटमेंट डस्टिंग पाउडर पोल्टाइस तो क्या होता है पल्विस कॉन्सपेस तो ये होता है डस्टिंग पाउडर ऑप्शन सी पाउडर होता है पल्विस ऑइंटमेंट एनग्वेंटम पोल्टाइस कैटा नेक्स्ट क्वेश्चन जियोमेट्रिक डाइल्यूशन इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ पोटेंट ड्रग मिक्सिंग ऑफ टूथ पाउडर मिक्सिंग ऑफ डस्टिंग पाउडर मिक्सिंग ऑफ स्नब्स जियोमेट्रिक डायलूशन किस लिए यूज करते हैं तो मिक्सिंग ऑफ पोटेंट ड्रग ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट करेक्ट फॉर डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर पार्टिकल सेटल फास्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट एज ए सेपरेट यूनिट सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स क्ट फॉर डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन तो चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर यह करेक्ट है इन करेक्ट इट इज नॉट करेक्ट फॉर डी प्लॉक डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल फास्ट नहीं होते पार्टिकल सेटल स्लो सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर देन पार्टिकल प्रेजेंट एज ए सेपरेट यूनिट सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडर्स ये भी दोनों करेक्ट है डिप्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ दिस इज यूज फॉर दिल्ट्रेशन ऑफ करोसिव लिक्विड्स कॉटन वुल ग्लास ऑल ऑफ दी अबव फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ करोसिव लिक्विड्स किसका यूज करते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ करोसिव लिक्विड्स तो यह होता है ग्लास वुल ऑप्शन बी ये ग्लास वुल होता है रेजिस्टेंट टू करोसिव लिक्विड्स इसलिए इसका यूज करते हैं फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ करोसिव लिक्विड्स में क्या आता है तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं अल्कलीज आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आते हैं है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डेंटल का यूज करते हैं टू पॉलिश एंड क्लीन टीथ ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इमल्शन कंटेनिंग मोर देन टू फेजेस आर कॉल्ड एज मिक्सड इमोल्शन हेड्रोजीनस इमोल्शन होमोजिनाइज इमोल्शन मल्टीपल इमोल्शन क्या होता है इमल्शन कंटेनिंग मोर देन टू फेजेस तो ये होता है मल्टीपल इमल्शन ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट मेजरिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम ए गिवन डोसेज फॉर्म इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट डिजॉल्यूशन टेस्ट बायो एवेलेबिलिटी टेस्ट कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट टेस्ट मेजरिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन तो इसके लिए होती है रिजोल्यूशन टेस्ट ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लोन सेपरेटर इज यूज फॉर ड्राइंग डिस्टिलेशन इवेपोरेशन साइज सेपरेशन किस लिए यूज करते हैं साइक्लोन सेपरेटर का तो इसका यूज करते हैं फॉर साइज सेपरेशन ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई हिट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूजुअली स्टर्लाइजेशन इज डन बाई हिटिंग एट ए टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर टू आवर्स डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम इज अफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूअस द मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर पाउडर्स एंड ऑयली मटेरियल्स द मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स नॉट ट्रू फॉर ड्राई हिट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन तो ड्राई हीट में टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस फॉर टू आवर्स ये करेक्ट है देन इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये भी करेक्ट है फॉर पाउडर्स एंड ऑयली मटेरियल्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ये सुटेबल होता है फॉर पाउडर्स एंड ऑयली मटेरियल्स, देन नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, तो ये भी करेक्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं ऑटोक्विंग का जो होता है मोइ स्टेटेशन ठीक है तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग देशन ऑफ टैबलेट दीपज ऑफ एडिंग मैग्नेशियम स्टीरेट एब्सॉर्बिंग एजेंट दर्पज ऑफ एडिंग मैग्नेशियम स्टीरेट तो क्या होता है मैग्नेशियम स्टीरेट तो ये लुब्रिकंट होता है ग्लाइडेंट होता है एंटी एदरेंट होता है सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लुड एनर्जी मिल में ऑप्शन बी तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फ्लुइड एनर्जी मिल में यूज करते हैं इसका प्रिंसिपल होता है इंपैक्ट एंड एट्रीशन ठीक है एंड थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस की साइज रिडक्शन के लिए यूज करते हैं फ्लूड एनर्जी मिल का नेक्स्ट क्वेश्चन वन ड्रॉप इज इक्वल टू पॉइंट फोर एम एल फिफ्टीन एम एल वन ड्रॉप तो ये होता है पॉइंट जीरो सिक्स एम एल ऑप्शन ए फिफ्टीन एम एल वन टेबल स्पून फुल देन इंपेरियल सिस्टम में क्या देखा था फिफ्टीन एम एल फोर फ्लूड ड्रैकम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ दाइनल कोटिंग वेट गेड इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज एचिव इन दी सीलिंग स्टेज सब कोटिंग स्टेज स्मूदिंग स्टेज पॉलिशिंग स्टेज कौन से स्टेज में होता है फिफ्टी परसेंट ऑफ द फाइनल कोटिंग वेट गेन इन शुगर कोटिंग तो यह होता है सब कोटिंग स्टेज में ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सब कोटिंग इज यूज टू इंक्रीज दल्क ऑफ दीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्व सस्पेंशन ऑफ इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स इज लोशन पेस्ट एलिगज मैग्मा एक् विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्व सस्पेंशन ऑफ इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक ड्रग्स तो ये मैग्मा होता है ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन साइक्लॉन सेपरेटर द मिक्सर इज पास थ्रू टेंजेंशियल इनलेट इन दिलेंडर सेंट्रल इनलेट एट दॉप ऑफ दिलेंडर बॉटम इनलेट एट कॉनिकल बेस ऑफ सिलेंडर ऑल ऑफ दीज इनमें से किससे पास करते हैं मिक्सचर इन साइक्लोन सेपरेटर तो साइक्लोन सेपरेटर में मिक्सचर इज पास थ्रू टेंजेंशियल इनलेट इन सिलेंडर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज लैटिन टम यूज फॉर ए माउथवॉश कोलियम कोलियम कोलुटोरियम पल्विस माउथवॉश तो पल्विस होता है पाउडर कोलुटोरियम माउथ वॉश ऑप्शन सी विल प्यर करेक्ट आंसर कोलीरियम होता है आई वॉश कोलुनेरियम, नेजल वॉश नोज वॉश ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिनोट्स टेबल स्पून फुल टी स्पून फुल डेजर्ट स्पून फुल वाइन ग्लास फुल तो एम्पलम क्या होता है तो एम्पलम होता है टेबल स्पून फुल ऑप्शन ए कॉकलियर एम्पलम कॉकलियर मैग्नम कोकलियर मैग्जीम वन टेबल स्पून फुल देन कॉकलियर मिनिमम होता है वन टी स्पून फुल वन डेजर्ट स्पून फुल क्या होता है कॉकलियर मीडियम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग फॉलोइंग टैबलेट्स इज यूज्ड इन ओरल कैविटी हाइपोडर्मिक टैबलेट्स ट्रॉचेस कोटेड टैबलेट्स डिस्पेंसिंग टैबलेट्स टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी तो ओरल कैविटी में यूज करते हैं बकल टैबलेट्स सबलिंगुअल टैबलेट्स डेंटल एंड ट्रोचेस ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोलिरियम ए माउथ वॉश एन आई वॉश एन इंजेक्शन ए पाउडर तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कोलिरियम एन आई वॉश ऑप्शन ए कोलुटोरियम क्या था माउथ वॉश था पाउडर क्या था पल्विस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रिविएशन यू इन इन दिस्क्रिप्शन तो यू एन जी होता है ऑइंटमेंट होता है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यह टू बी रब्ड इन क्या होता है इन फ्रिकेंडस होता है टू बी यूज यूटेंडस होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन In the context of mechanism of size reduction of drug, ball mill work on the principle of crushing, grinding, shearing, impact and attrition. So, ball mill, impact and attrition, option D. Next question. In posology, Dilling's formula is used to calculate the dash, dose proportionate to gender, dose proportionate to age, dose proportionate to surface area, dose proportionate to body weight, Dilling's formula. तो डिलिंग्स फॉर्मूला का यूज करते हैं टू कैलकुलेट द डोज प्रोपोर्शनेट टू एज ऑप्शन बी विल बी ऑर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन द द स्टिक टू साइड्स ऑफ द दाइडल सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म्ड सुपर लिक्विड इज नॉट क्लियर तो क्या होता है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में द फ्लॉकुल स्टिक्स टू द साइड ऑफ बॉटल्स तो यही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी ऑर करेक्ट आंसर फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन द्लॉकुलन सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड यह होता है डी फ्लॉक में सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्मड यह भी होता है डी फ्लॉकुलेटेड में फ्लॉकुलेटेड में सुपरनेटेंट लिक्विड इज क्लियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिल वर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट होमोजिनाइजेशन कंप्रेशन कटिंग द कोलाइड मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है कोलाइड मिल का वर्किंग प्रिंसिपल तो ये होता है होमोजिनाइजेशन ऑप्शन बी इम्पैक्ट हैमर मिल डिसइंटीग्रेटर कंप्रेशन रोलर मिल कटिंग कटर मिल नेक्स्ट क्वेश्चन फिल्टर कैंडल्स आर मेड अप ऑफ थीन प्लेट सेलूलोज एसिटेट मेटल रिंग्स बोरोसिलिकेट ग्लास केजल किससे बनी हुई होती है फिल्टर कैंडल्स तो ये बनती है फ्रॉम कीजल घर ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मेथड पाउडर पास थ्रू ए सेट ऑफ सीव आर अरेन्ज इन डैश रैंडम ऑर्डर एसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर एनी प्लेस तो कैसे अरेंज हुए होते हैं सीव्स तो सीव्स आर अरेन्ज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑप्शन सी विल बी ऑर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन इज आल्सो नोन एज ऑटोक्लेविंग ऑटोक्ट पाश्चराइजेशन इंसिनरेशन क्या होता है फ्रैक्शनल तो इट इज आल्सो नोन एज टिंडलाइजेशन पाश्चराइजेशन का यूज करते हैं मिल्क के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश आर यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग माइस गिनी पिग रैट और रैबिट किसका यूज करते हैं पायरोजन टेस्टिंग के लिए तो रैबिट का यूज करते हैं ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन डैश ट्रीटमेंट इज यूज फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन वाटर अल्कोहल हीट फॉर्मेलिन कौन से ट्रीटमेंट का यूज करते हैं फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन बहुत बार डिस्कस किया हुआ है फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट का यूज करते हैं ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन विच ईयर 1854, 1857, 1864, 1867. फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी तो फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया 1864 ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1955 ठीक है ओके फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू